फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो है जी फिलिपीन पे, फिलिपीन का टूरिस्ट वीजा आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, टीकाकार क्या है, डॉक्यूमेंटेशन क्या चाहिए टूरिस्ट के लिए, टूरिज्म के लिए। फिलिपीन जो है एक अच्छी कंट्री है, स्टिकर वीजा होता है, तो अगर आप ट्रैवल एंड टूरिज्म के लिए जाना चाहते हैं तो आप फिलिपीन का टूरिस्ट वीजा भी अप्लाई कर सकते हैं। आपका अगर अलेन का या अबूधाबी का वीजा है तो आपको अबूधाबी से अपॉइंटमेंट लेके आपकी फाइल सबमिट करनी है। अगर आपका वीजा दुबई, शारजाह, अजमान या बाकी एमिरेट्स का है तो उस सूरत में आपको आपकी जो फाइल है, आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो दुबई में सबमिट करने हैं। इसके लिए करना क्या होगा, सबसे पहले आपको अपॉइंटमेंट लेनी है। सो मेक श्योर जब आपने अपॉइंटमेंट लेनी है तो उससे पहले आप क्रॉस चेक कर लें कि आपका पासपोर्ट, आपका यूएई रेजिडेंस वीजा एटलीस्ट 6 मंथ तक वैलिड होने चाहिए। इसके बाद डॉक्यूमेंटेशन क्या चाहिए दोस्तों, वो आपको मैं बाद में बताता हूँ। सबसे पहले करना क्या होगा, आपने एक इनके पोर्टल पे जाके एक फॉर्म है वो आपने फिल करना है, जिसमें आपकी पर्सनल डिटेल होती है, पासपोर्ट की डिटेल होती है, आपकी नेशनलिटी और इस तरह की चीज़ें सारी आपने उसमें फिल करनी है। उस फॉर्म के लास्ट में आपने आपके सिग्नेचर करके वो फॉर्म आपने सबमिट कर देना है, साथ में पासपोर्ट की कॉपी भी सबमिट कर देनी है। ये हो गया, ये आपका फॉर्म फिल हो गया। इसके बाद आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें जो डॉक्यूमेंट्स आपने वीज़ा के लिए हैं वो चाहिए, आपकी पासपोर्ट की कॉपी, वीज़ा कॉपी, फोटो चाहिए होगी आपकी पासपोर्ट साइज विद वाइट बैकग्राउंड, NOC लेटर चाहिए होगा आपकी कंपनी से, लास्ट 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट चाहिए जिसमें इनकी वेबसाइट पे लिखा हुआ है 8,000 दिरहम आपके बैलेंस होने चाहिए। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर इससे ज़्यादा आप शो करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो NOC लेटर हो गया, बैंक स्टेटमेंट हो गई, आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हो गए, साथ में होटल की कंफर्म बुकिंग लगाएं, फ्लाइट रिजर्वेशन लगाएं, ये डॉक्यूमेंट्स आपने लगाने हैं साथ में, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने इनको जो है सेंड कर देने हैं। और उसके बाद फिर आपको जो है अपॉइंटमेंट मिल जाएगी, अपॉइंटमेंट मिलेगी तो आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स प्लस आपका ओरिजिनल पासपोर्ट सबमिट करना है जाके। और इसमें एक चीज़ का ख्याल रखें कि आपने खुद ही जाना है, आपके बिहाफ पे कोई और बंदा नहीं जा सकता। डॉक्यूमेंट्स आपके उनको समझ में आ जाते हैं तो वो आपको बोलेंगे जी पासपोर्ट लेके और ये डॉक्यूमेंट्स लेके आप आ जाएं, अपॉइंटमेंट दे दी जाएगी, आप वहाँ चले जाएँ। और जाके आपने 260 दिरहम आपने पे करना है सिंगल एंट्री वीज़ा के लिए, जो कि 3 महीने तक वैलिड होगा और विद इन 3 मंथ आप कभी भी ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये सारा तरीका कार है जी, आपने पहले डॉक्यूमेंट सारे सबमिट करने हैं, अपॉइंटमेंट आपको मिल जाएगी, वहां जाके आपका पासपोर्ट और ये सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, वीजा की फीस पे करेंगे, 7 से 8 वर्किंग डेज के अंदर आपको वीजा लगा के दे दिया जाएगा आपके पासपोर्ट पे। तो इस तरह जी आप फिलिपीन ट्रैवल कर सकते हैं। इनकेस जो वीजा ऑफिसर है उसको कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए तो वो आपसे पूछ सकता है, जैसे कि कुछ केसेस में वो आपसे इन्विटेशन लेटर का भी पूछ सकते हैं। तो फिर आपको वो भी किसी फिलिपिन का जो बंदा है, जो नेशनल है, उससे आपने अरेंज करवाना है, नहीं तो कंफर्म होटल बुकिंग और ये सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आप लगाएं, आपको फिलिपिन का वीज़ा जो है दोस्तों मिल जाएगा। ठीक है जी, तो ये तरीका कार है फिलिपिन का वीज़ा अप्लाई करने के लिए। आप दुबई से भी अप्लाई कर सकते हैं, दुबई से भी अप्लाई कर सकते हैं। लिंक्स वगैरह सारे जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डॉक्यूमेंटेशन की पूरी लिस्ट जो है वो आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से चेक करके खुद से ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। बहुत आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। और एक स्टिकर वीज़ा फिलिपिन का जो है आप अपने पासपोर्ट पे लगा सकते हैं, ट्रैवल एंड टूरिज्म के लिए जा सकते हैं, ट्रैवल हिस्ट्री के लिए भी ये एक अच्छा वीज़ा हो सकता है। ठीक हो गया दोस्तों, तो ये कुछ तरीकाकार है। अगर आपको मजीद कुछ पूछना हो तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, या फिर मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हैं। जब भी टाइम मिलेगा मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूंगा। ठीक हो गया दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक पे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। ठीक है दोस्तों।